रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आज मैं कवर कराऊंगा, जो रेलवे के सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चंस है, रेलवे ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मुंबई बीटी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है, इंडियन रेलवे का की पोजीशन वर्ल्ड में कौन सी है, तो फोर्थ नंबर पर इंडियन रेलवे की पोजीशन है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी, पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 3 फरवरी 1925 में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेल भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली चली थी, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पास किया, 20 नवंबर 1947 में जॉन मथाई ने पास किया था। भारत में सबसे पहले कहाँ पे मोनो रेल चलाई गई, मुंबई महाराष्ट्र में चलाई गई थी। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, दक्षिणी मतलब साउथ, साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है, ब्रॉड गेज जो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उनकी जो लंबाई होती है 1.676 मीटर की होती है। रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है, कपूरथला एक जगह है वो किस लिए फेमस है, रेल कोच फैक्ट्री के लिए फेमस है। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है, 17 जोन में बांटा गया है भारतीय रेल को। भारतीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1 फरवरी 1977 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। दिल्ली मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीधरन को जाना जाता है। 2014 तक कौन सा देश, कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं थी, मेघालय भारत के अंदर एक मेघालय जगह है, सेवन सिस्टर्स में आता है, वहाँ पर रेलवे लाइन नहीं थी 2014 तक। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, ममता बनर्जी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत की पहली रेलवे ड्राइवर कौन बनी, सुरेखा यादव। भारत की पहली महिला डीजल इंजन ट्रेन ड्राइवर का क्या नाम है, मुमताज काजी। पूर्व मध्य रेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हाजीपुर में, पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्टर्न रेलवे। भारत पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली और कब, दिल्ली से मुंबई तक चली 1969 को, 1969 ईस्वी में। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है। हमारे देश में रेलवे टिकट के लिए तत्काल की सुविधा, जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं उसकी सुविधा कब से स्टार्ट हुई थी, 1997 से स्टार्ट हुई थी। दुनिया की पहली मेट्रो रेलगाड़ी कहाँ पर चली, लंदन में 1863 में चली थी। भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है हमारे देश में, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है, आंध्र प्रदेश। अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश राज्य जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, अमृतसर, जो कि पंजाब के अंदर गुरुद्वारा है अमृतसर में। गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बेंगलोर। हमारे तिरंगे के चक्र का रंग क्या होता है, नीले रंग का, जो तिरंगे के अंदर अशोक चक्र होता है वो नीले रंग का होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, सॉरी राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है, बरगद का पेड़ है हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। कुकेन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है, सिनकोना की छाल से
कुकेन बनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। किस पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीरीज जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।